अधूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम में। जी हाँ, प्रोग्राम है हमारा स्टार सीरीज। आपने सोचा ही होगा कि अभी मैंने सुबह जो पहली लाइन गाई वो क्यों गाई। दरअसल में ये जो लाइन है, ये भले ही जो फिल्म है अधूरी, वो फिल्म में आप सभी लोगों ने इमरान हाशमी और विद्या बालन को देखा होगा, लेकिन इस गाने की जो लाइन है हमारी अधूरी कहानी, ये हर व्यक्ति पर फिट बैठता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक प्रेम कहानी होती है, हर किसी की अपनी एक लाइफ की कहानी होती है, जो कि भले ही खूबसूरत ना हो, भले ही ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, जब लव स्टोरी की बात आती है तो कई लोगों की लव स्टोरी बड़ी खुशनुमा होती है, तो कई लोगों को उनका सच्चा प्यार नहीं मिलता। और बॉलीवुड में तो भाई ये कहानियाँ बड़ी ही फेमस है, और इसीलिए आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैं लेकर हाजिर हूँ हमारे स्टार सीरीज़ में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी खूबसूरती ने उनकी कामयाबी में एक नया पैगाम, एक नई सीढ़ी जोड़ दी। लेकिन अगर उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्व मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन की जो खूबसूरती है वो उनकी ताकत बन गई। बॉलीवुड में राज करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थी, और पूरी तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का भी जमाया। लेकिन अगर उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो पूरी तरीके से वो अधूरी ही रह गई है। जी हाँ, सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी। 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद 1996 में उनकी फिल्म ने दस्तक दी, यानी फिल्म का नाम था दस्तक। फिल्म में दस्तक से उन्होंने अपने का जैसे ही फिल्म दस्तक की उन्होंने शुरुआत की, इसी बीच उनकी मुलाकात हुई इस फिल्म के राइटर विक्रम भट्ट। जी हाँ, विक्रम भट्ट जो कि आज के समय में बॉलीवुड के एक जाने माने हस्ती हैं। विक्रम भट्ट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जब उनकी लव स्टोरी का जिक्र आता है तो आज इतने सालों बाद भी विक्रम और सुष्मिता की लव स्टोरी हर किसी के जुबान पर रहता है। विक्रम भट्ट और सुष्मिता भले ही सालों पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन जब बात आती है उन दोनों की लव स्टोरी को लेकर तो सुष्मिता के और भी कई लोगों के साथ नाम जोड़े गए हैं, लेकिन विक्रम की जगह आज भी किसी ने नहीं ली है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, सुष्मिता अभी इस समय पर बात करें तो रोहमन चौल के साथ वो एक रिलेशनशिप में है, साथ में सिंगल मदर है, लेकिन इससे पहले उनका नाम पाकिस्तानी एक्टर के साथ भी जुड़ चुका है, वसीम अकरम के साथ भी जुड़ चुका है, बंटी सचदेवा के साथ जुड़ चुका है, मुख्तार जी के साथ जुड़ चुका है, साथ ही रणदीप हुड्डा के साथ जुड़ चुका है। लेकिन इन सबसे परे, जी हाँ, उनकी जो प्रेम कहानी है सुष्मिता की वो अलग ही है बिल्कुल। जी हाँ, विक्रम भट्ट के साथ उनकी कहानी बिल्कुल ही अलग दर्शाती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि विक्रम भट्ट और सुष्मिता, जब विक्रम भट्ट 27 साल के थे और सुष्मिता 20 साल की थी, तो इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, और इसकी वजह से, सुष्मिता की वजह से ही विक्रम भट्ट ने अपने बचपन की दोस्त और अपनी धर्म पत्नी अंजलि को छोड़ा था। अंजलि ने विक्रम भट्ट को छोड़ा था क्योंकि अंजलि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि विक्रम भट्ट और सुष्मिता एक दूसरे के करीब आए, बट ऐसा हुआ। दोनों इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस थे और अंजलि दोनों के रास्ते से चली गई। लेकिन उनके तलाक देने के बाद 1998 में अंजलि ने विक्रम भट्ट को तलाक दे दिया, लेकिन इसके बाद सडनली विक्रम भट्ट का सुष्मिता सेन के साथ भी ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद पूरी तरीके से विक्रम भट्ट टूट चुके थे। और भी इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा तो यहाँ भी जाता है कि सुष्मिता से ब्रेकअप होने के बाद विक्रम भट्ट खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ इनकी लव स्टोरी भी है, ट्रायंगल भी है। तो कैसे इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई और कैसे इसका दी एंड हुआ, क्या हुआ इसका अंजाम, ये आपको हमारे इस प्रोग्राम के रिपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड लव अफेयर कन्फेशन। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे ये चार ऐसे वर्ड हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आम है। बताना चाहेंगे अगर बॉलीवुड में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस है तो उसकी लव कहानी यानी कि लव ट्रायंगल तो ज़रूरी होता है। अब किसी का लव स्टोरी सक्सेसफुल रहता है तो किसी का अनसक्सेसफुल। ऐसे ही लाइक लव स्टोरी का आज हम जिक्र करने वाले हैं, या एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन, जिनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग आपने उनकी कई फिल्मों में देखा होगा। सुष्मिता जिनके साथ भी फिल्म की है, उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई है।
सुष्मिता ने अगर किसी अपने जूनियर एक्टर के साथ फिल्म की है तो उस जूनियर एक्टर को एक नई मुकाम हासिल हुई है। ऐसे में सुष्मिता सेन की हम उस लव स्टोरी का जिक्र करने वाले हैं जो कि अधूरी हुई है। जी हाँ, आज हम सुष्मिता सेन की आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सुष्मिता वैसे तो काफ़ी खूबसूरत है और जाहिर सी बात हुई, जब वो खूबसूरत एक्ट्रेस है तो उनके दीवाने तो कई एक्टर रहे होंगे। उसमें कई एक्टर का नाम सामने आया है। फिलहाल अगर करंट की बात करें तो वो रोहमन सॉल के साथ रिलेशनशिप में है और साथ ही वो सिंगल मदर भी है। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले 4 या 5 ऐसे बॉलीवुड स्टार रह चुके हैं जिनके साथ सुष्मिता का अफेयर रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें नाम आता है बॉलीवुड के, जी हाँ बॉलीवुड के बेहद ही फेमस नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विक्रम भट्ट की। विक्रम भट्ट के साथ सुष्मिता सेन की पहली मुलाकात फिल्म दस्तक में हुई थी। जी हाँ, क्योंकि दस्तक फिल्म के राइटर एक विक्रम भट्ट ही थे और वो फिल्म 1996 में आई थी, जिस वक्त विक्रम भट्ट 27 साल के थे और सुष्मिता महज 20 साल की। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुई। जी हाँ, लेकिन वहीं पर धीरे धीरे सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट के बीच में विक्रम भट्ट की पत्नी अदिति आई। बताना चाहेंगे, अदिति को विक्रम भट्ट के बारे में पता जब चला तो वो उन्हें कोर्ट तक घसीट के ले गई और 1998 में उन्होंने तलाक ले लिया। बताना चाहेंगे, 1998 में तलाक लेने के बाद विक्रम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव थे। खबर तो भाई ऐसी भी कही जाती है कि विक्रम डिप्रेशन की वजह से खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुके थे। जी हाँ, और उन्होंने छठे मंजिल से जी हाँ छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, बट वो खुद को बचा चुके थे। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, विक्रम भट्ट और जब सुष्मिता का ब्रेकअप हुआ तो विक्रम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव थे, तो वहीं सुष्मिता उस समय पर अपने करियर की ऊंचाई पर थी और कई धीरे धीरे सुष्मिता और विक्रम फिर से दोनों ने अपने आप को संभाल लिया। आगे बात करें तो इसके अलावा वसीम अकरम के साथ भी सुष्मिता का नाम जोड़ा गया है, यानी मैं बात कर रही हूँ वसीम अकरम। इनके साथ भी काफ़ी समय तक सुष्मिता का पेशेंट रहा, लेकिन ये रिलेशन भी अपनी मंजिल का पाने में कामयाब नहीं हो सका। अगला जो नाम जुड़ता है वो है बंटी सचदेवा। जी हाँ, बंटी सचदेवा, जो कि सुष्मिता सेन उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन सुष्मिता को क्या पता था कि उन्हें इस प्यार में धोखा मिलेगा। जी हाँ, बंटी सचदेवा एक साथ अलग अलग हीरोइनों को डेट कर रहे थे और ये बात जब सुष्मिता को पता चली तो उन्होंने तुरंत के तुरंत उनसे ब्रेकअप करने का मन बना लिया। लेकिन यहाँ पर भी सुष्मिता अपने काम में लगी रही और वो अपने फिल्मों के जरिए लोगों के और फैंस के और भी करीब आती रही। जी हाँ, वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला उनका नाम आता है मुख्तार के साथ। जी हाँ, जो कि बॉलीवुड के राइटर और डायरेक्टर हैं और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उनके साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन सुष्मिता की पर्सनल लाइफ में काफ़ी रोक टोक करने के वजह से सुष्मिता ने उनसे भी अलग होना मुनासिब समझा और उनके साथ भी ब्रेकअप हो गया और फिर नाम जुड़ा रणवीर हुड्डा का। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आज के समय की अगर बात करें तो सुष्मिता सेन आज भी जी हाँ शादी के बंधन में बंधी हुई नहीं है। भले ही वो रोहमन चौल के साथ रिलेशनशिप में है और वो उनके बॉयफ्रेंड है और ये दोनों ही अपने प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर सरेआम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सुष्मिता शुरुआत से ही, जो कि उनका पहला प्यार थे विक्रम भट्ट, तब से लेकर अभी तक वो किसी भी बंदिश में रहना अपने आप को गवारा नहीं समझती और इसीलिए शायद विक्रम भट्ट, जो कि उनसे सच्चा प्यार करते थे, उन्हें भी उन्होंने अलविदा कह दिया। बताना चाहेंगे, विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन की लव स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी कि इतने सालों बाद भी इन दोनों की जोड़ी की चर्चाएं आज भी होती रहती हैं। जी हाँ, आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे का नाम खुद से अलग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सुष्मिता अपने बच्चों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हंसी खुशी ज़िंदगी को जी रही है, तो वहीं विक्रम भट्ट भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आगे निकल चुके हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से
सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट की लव स्टोरी शुरुआत तो बहुत शानदार हुई, बहुत खूबसूरत हुई, लेकिन इसका अंजाम अधूरा ही रह गया। फिलहाल दोस्तों आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाज़त, लेकिन हाँ एक बार फिर से स्टार सीरीज में आप लोगों के बीच बॉलीवुड के किसी ऐसे ही चमकते सितारे की कुछ नई कहानियाँ, नए किस्से और नई जानकारियाँ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।